today we're gonna talk about the movie War. So without wasting time, चलिए आते हैं इस कहानी की main storyline की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक family जिनके head का नाम होता है Naidu। खाना खाने के बाद में वो अपने ही एक room में जाकर अपने ही कुछ internal sources से contact करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर entry होती है इस कहानी के lead character यानी कि कबीर ढलवाल की। इन दोनों की ही बातचीत से हमें ये पता चलता है कि अभी कबीर अपने एक मिशन पर है, जिसे अंजाम देने के लिए नायडू उसे गाइड कर रहा होता है। और साथ ही नायडू उसे बताता है कि जिस टेररिस्ट की तलाश में तुम यहाँ तक आए हो, उसका नाम है फरीद हकानी, जिसने कई लोगों को अपने साथ मिलाकर टेररिज्म करने की कोशिश करी, कई सारे मासूम लोगों की जान ली, इसलिए इसे अभी के अभी खत्म कर दो। और जैसे ही कबीर अपनी गन से शूट करता है तो वो गोली जाकर फरीद हकानी को नहीं बल्कि नायडू के सीधे हाथ पर आकर लगती है। और यहाँ पर इनके बीच में एक कन्वर्सेशन और होती है, जो कि मैं इस मूवी के अंदर आपको आगे बताऊंगा। और वहीं से कबीर एक और से हेडशॉट लगा देता है, जिसकी वजह से नायडू वहीं पर मारा जाता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि अपनी स्क्रीन पर वो जो रिकॉर्डिंग देख रहा था वो लाइव रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि आज से 3 दिन पहले ही ऑलरेडी रिकॉर्ड करके उसे चकमा देने के लिए सेट कर दी गई थी। वहीं पर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है पार्लियामेंट में, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं कर्नल सुनील लुथरा, जो कि अब अपनी हेड को रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारे एक अंडरकवर एजेंट नायडू को कल रात किसी ने गोली मार दी और हो ना हो उसके पीछे हमें लगता है कि ये सारा काम कबीर का होगा। तो उनकी हेड कहती है कि क्यों ना कबीर को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई जाए, क्योंकि कबीर जो हमें लगता था कि कभी इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता था, अब वो टेररिस्ट के साथ में मिलकर हमारा एक खात्मा करने पर लगा है। और इसी वजह से वहां पर अब सुनील लुथरा उसे कहते हैं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, जिसका नाम है खालिद रहमानी। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है टाइगर श्रॉफ यानी कि एक और लीड कैरेक्टर जिसका नाम है खालिद रहमानी। और यहाँ पर आते ही हमें टाइगर श्रॉफ की एक वन शॉट फाइट दिखाई जाती है। और एक खास बात आपको बता दूं, इस टाइप की फाइटिंग और साथ ही शॉट्स हॉलीवुड मूवीज में आपने काफी बार देखे होंगे। खालिद वहाँ पर एक मिशन पर होता है और उसी में वो वहाँ के काफी सारे टेररिस्ट को धो देता है। उन सभी को मारने के बाद में उसे सीधा कॉल आता है सुनील का और वो उसे अपने हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। और वहाँ से खालिद इंडिया में आ जाता है। इन सभी गवर्नमेंट एजेंट्स की एक सीक्रेट लोकेशन होती है, जहाँ पहुँचने के बाद में सुनील बताते हैं कि कुछ दिन पहले हमारी एक इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हुई है, जिसका नाम था नायडू, जो कि हमारे लिए एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। उसके मिशन में शामिल था एक अलगाववादी जिसका नाम था फरीद हकानी, उसे जान से मारने का, मगर वहाँ पर कबीर ने उसे धोखा दिया और फरीद हकानी की जगह उसे ही जान से मार डाला। इसीलिए मेरा ये ऑर्डर है तुम सभी पुलिस फोर्स को कि जितना जल्दी हो सके अपनी एक टीम बिल्डअप करो और कबीर को वापस से इंडिया लेकर आओ, क्योंकि हम उसे पुलिस की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। तो वहाँ पर खालिद कहता है कि हमें कबीर सर ने ही ट्रेन किया है, वो हमसे इतने ज्यादा फास्ट हैं कि उनकी अपनाई गई चालें सिर्फ और सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर आप मुझे इस टीम को लीड करने का मौका दें। और अब उसकी बात सुनकर सुनील खालिद को इस टीम को लीड करने के कमांड्स पास कर देता है। और यहीं से कहानी पहुंचती है 2 साल फ्लैशबैक में, जहां पर हमें दिखाई जाती है ऋतिक रोशन यानी कि कबीर की एंट्री, जो कि अभी अभी जस्ट एक मिशन को कंप्लीट करके एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचे होते हैं। और वहां पर सुनील उनका वेलकम करता है और साथ ही सुनील अब वहां पर कबीर को बताता है कि तुम्हारी टीम में ज्वाइन करवाने के लिए मेरे पास में एक और एजेंट है जिसका नाम है खालिद रहमानी, उसने आज तक के सारे टफ से टफ टेस्ट को पास किया है और इसी के साथ ही वो तुम्हें अपना गुरु मानता है। लड़ने में होशियार, तेज चालाकियों का दिमाग और एक कंप्लीट फिट बॉडी, उसमें वो सब कुछ है जो तुम्हारी टीम को चाहिए। तो कबीर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी टीम में ज्वाइन करवा लो, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि खालिद के पिता एक टेररिस्ट थे और उन्हें जिसने जान से मारा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद कबीर ढलवाल ही होता है। तो इस वजह से वो खालिद को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहता था। तो वहाँ पर खालिद उसे विश्वास दिलाता है कि मेरे पिता गद्दार थे और उन्हें तो गद्दारी का अंजाम भुगतना ही था, और साथ ही पुलिस को जिसने इन्फॉर्मेशन दी वो और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी, इसलिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि मैं आपकी टीम के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक ही साबित होऊंगा। और अब इन सभी बातों को सुनने के बाद में कबीर उसे अपनी टीम के अंदर एंट्री दे देता है। अभी सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है रिजवान इलियासी। इसने अब तक कई सारे मासूम बच्चों को अपनी टीम में मिलवाकर खुद के मतलब का काम करवाया और उन्हें एक टेररिस्ट बना दिया। हमारा अगला शिकार यही पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए हमें इसके राइट हैंड तक सबसे पहले पहुंचना होगा, जिसका नाम है बशीर हासिब। और अब बशीर हासिब को पकड़ने के लिए ये सभी पहुंच जाते हैं इराक, और वहां पहुंचने के बाद में कबीर डलवाल बशीर के ही एक राइट हैंड को मार देता है। अब जैसे ही उसके राइट हैंड को गोली पड़ती है तो बशीर के सारे लोग अब वहां से कबीर को पकड़कर अपनी ही बेस लोकेशन पर ले आते हैं और वहां पर उसे खूब मारते हैं, खूब कूटते हैं, खूब पीटते हैं, और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अच्छा तुम रॉ के एजेंट हो, इंडिया से आयो हमें पकड़ने के लिए, और किस लिए?
लिए रिजवान इलियासी तक पहुंचने के लिए तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जूते में जो ट्रांसमीटर लगा था हमने तो उसे कब का तोड़ दिया। और तभी वहां से कबीर अपने मुंह से एक और ट्रांसमीटर निकालकर कहते कि क्या तुम्हें दूसरा मिल गया, अभी बस 3 मिनटों के अंदर तुम्हारा जो हाल होने वाला है उसके बारे में तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। और देखते ही देखते वहां पर पहुंच जाता है खालिद अपनी एक बख्तरबंद गाड़ी के साथ में, जिसमें लगी होती मशीन गन और धड़ाधड़ गोलियों की बरसात हो जाती है। और एक काफी कमाल का फाइट सीक्वेंस और एक शानदार फाइट हमें उन सभी के बीच में दिखाई जाती है। और इसके बाद में उनकी टीम को खत्म कर देने के बाद अब हमें फाइट दिखाई जाती है बशीर की, जो कि कबीर और खालिद पर काफी भारी पड़ रहा होता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं दोनों लौंडे फुल बॉडी फिट, तो वो दोनों ही उसे वहीं पर धो डालते हैं। और इसी के साथ उन्हें फाइनली रिजवान इलियासी की डिटेल मिल जाती है। अब यहां से अपने बेस कैंप पे वापस आने पर खालिद से उसकी मॉम मिलने के लिए आती है। तो अपनी माँ को वहां पर देख कर खालिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि माँ मैंने अब कबीर के साथ में टीम ज्वाइन कर लिए और मैं अब आपके सर पर लगा हुआ दाग मिटा कर रहूंगा और मैं हमारे परिवार पर जो बुजदिली का दाग लगा हुआ है उसे मिटा कर रहूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ मांगी। तो खालिद कहता है कि आपने मेरे लिए तो दुआ मांग ली, मगर आपने खुद के लिए क्या मांगा? तो उसकी माँ कहती है कि मैंने अपने लिए इज्जत मांगी। यहाँ पर एक काफी इमोशनल सीन था जहाँ पर एक माँ अपने बुजदिली को हटाने के लिए, अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए अल्लाह से दुआ मांगती है। उन दोनों की ये बातें चली रही थी और तभी वहाँ पर कबीर उसे बुलाता है और कबीर उससे कहता है कि आज के दिन हम मरते मरते बचे, तुम्हारे निशाने के अंदर प्रॉब्लम है, जब भी तुम कभी राइट साइड के अंदर शूट करते हो तो वो सारी की सारी बुलेट्स मिस आउट हो जाती है, तुम आगे आने वाले फ्यूचर में मेरे कामों में मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हें इस टीम से दरख्वास्त करता हूँ। तो वहां पर खालिद कहता है कि मेरी इस कमी का कारण भी मेरे पिता ही थे, क्योंकि जब इंडिया में ये बात पता चली कि मेरे पिता एक टेररिस्ट है तो मेरे स्कूल के अंदर सभी बच्चे मुझे एक टेररिस्ट का बेटा कहकर चढ़ाने लगे और तभी किसी ने मेरे आंख के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारा और यही रीजन है कि आज तक मेरे राइट साइड के शूट काफी मिस होते हैं। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अगले काम के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आप प्लीज मुझे इस काम पर रख लीजिए। और अब उसकी विश्वास उसकी जिंदा दिली देखते हुए कबीर उसे वापस से अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग जय जय शिव शंकर। आप जो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं आप में से भी इसे कई लोग होंगे जिन्हें की डांस का काफी शौक होगा, तो आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि किस किस ने इस सॉन्ग के ऊपर डांस किया है। वहीं पर इस सॉन्ग के खत्म हो जाने के बाद में सारे के सारे एजेंट्स के पास में एक मैसेज आता है और ये वो मैसेज था जिसके अंदर लोकेशन थी रिजवान इलियासी की अगली मीटिंग की। अगले दिन जब मीटिंग के लिए रिजवान इलियासी अपने एक टीम मेंबर के पास पहुंचता है तो वहीं पर अब कबीर की पूरी टीम पहुंचकर उसे अंडर अरेस्ट करने की कोशिश करती है, मगर उनकी सारी कोशिश वहां पर धरी पड़ जाती है जहां पर इन लोगों को पता चलता है कि हमारी ही टीम में से एक शख्स था जिसने कि रिजवान इलियासी को ऑलरेडी यहां पर होने वाले हमले के बारे में बता दिया था और वो और कोई शख्स नहीं बल्कि उन्हीं की टीम का था सौरभ। अब यहां एक और तो कबीर रिजवान इलियासी को पकड़ने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी ओर अब खालिद सौरभ को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। इसी बीच रिजवान इलियासी के थ्रू अब कबीर को गोली लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। तो वो वहां पर अपने कर्नल सुरील को पूछता है कि खालिद कहां पर है, तो उसे वो बताता है कि खालिद जान से मारा गया। तो वो कहते हैं कि क्या उसकी बॉडी मिली, मगर वो कहते हैं कि नहीं अभी तक मिली तो नहीं है मगर हम उसे ढूंढ रहे हैं। और यहीं से वापस से कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में जहां पर हम देखते हैं कि खालिद को कॉल आता है कबीर का और कबीर उसे कहता है कि मुझे पता पड़ा है कि तुमने अभी भी जस्ट एक टीम बिल्डअप करी है मुझे पकड़ने के लिए, क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ? तो वहां पर खालिद कहता है कि सर आपने हमें हमेशा सभी लोगों से 2 कदम आगे रहने के लिए सिखाया था, हमें देशभक्त बनाया था, दिल के अंदर वो तरंग जगाई थी जिससे कि हम अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सके और आज आप खुद ही अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं, इसके पीछे का रीजन मैं जरूर जानना चाहूंगा। तब वहां पर कबीर कहता है कि रीजन जानने के बाद तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के एक वन ऑफ द बेस्ट सीन की तरफ जहां पर कबीर अब एयर डाइविंग करता हुआ सीधा पहुंच जाता है एक इंडियन मिलिट्री प्लेन पर जहां पर एक मेजर की उसे तलाश थी। एक काफी तगड़ी और बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंस के साथ में वहां पर अब फाइनली कबीर पहुंच जाता है उस मेजर के पास में और कहता है कि रिजवान इलियासी के 4 बंदे हैं, प्यादा, हाथी, ऊंट और वजीर, तुम कौन से नंबर के हो? तो वो बताता है कि मैं ऊंट हूं और अभी एक हाथी बाकी है। और इसी इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद में वहां से कबीर उसे जान से मारकर निकल जाता है। अब अगले दिन यहां पर सुनील अपनी पूरी टीम के ऊपर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि एक के बाद एक हमारे सीक्रेट एजेंट्स मारे जा रहे हैं, आखिर तुम्हारी टीम कर क्या रही है? तो खालिद कहता है कि हम उसे पकड़ने में लगे हुए हैं सर, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम जरूर कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब वहीं से सीन शिफ्ट होता है एक रेलवे स्टेशन पर जहां पर एक ट्रेन के अंदर खालिद को मिलने के लिए कबीर आता है। तो वहां पर गन निकालने वाला होता है मगर तभी कबीर उसे गन निकालने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं, पहला या तो मैं तुम्हें ये रीजन बताऊं कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं और दूसरा तुम्हें अपने अगले टारगेट का नाम बताऊं। इस वक्त तक एक स्टेशन
स्टेशन आ जाता है और खालिद को उसे पकड़ने का टाइम नहीं मिल पाता। मगर जाते जाते उसे पता चलता है कि कबीर ने उसे अपने अगले टारगेट का नाम बता दिया होता है, जिसका नाम था उत्पल विश्वास। वहां से सीन शिफ्ट होता है एक फुटबॉल प्लेग्राउंड में, जहां पर कबीर एक छोटी सी लड़की से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि बेटा तुम कैसी हो। तो वहां पर वो लड़की कहती है कि मॉम आपको काफी मिस करती है, मगर मॉम इतना टाइम हो गया मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो कबीर उसे कहता है कि वो जल्दी तुमसे मिलने के लिए आएगी। अब यहां से कहानी अगेन 6 महीने फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर कबीर की मुलाकात इस कहानी की लीड हीरोइन यानी कि नैना से होती है। नैना बेसिकली एक डांसर होती है जो कि बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स के अंदर परफॉर्म करती है। उसका बेहतरीन डांस देखने के लिए फिरोज कॉन्ट्रैक्टर पागल था और वो ये चाहता था कि वो एक दिन उसके साथ डिनर पर जाए। अब यहां पर कबीर का ये प्लान था कि वो अपने प्यार के अंदर नैना को फंसाए और उसे अपना एक मोहरा बनाकर सीधा भेज दे फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के पास में, ताकि वो उससे रिजवान इलियासी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा पाए। और अब जैसा कि रिजवान इलियासी तक कबीर को पहुंचना था, तो उसका जरिया था फिरोज कॉन्ट्रैक्टर, तो वो उसकी सारी बातों पर नजर रखता है। तो वहीं पर उसे इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है, जहां पर फिरोज कॉन्ट्रैक्टर अपने ही एक क्लाइंट को बताता है कि रिजवान इलियासी इस पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा माफिया, एक सबसे बड़ा टेररिस्ट है, और उस तक पहुंचने के लिए उसकी सीक्रेट टीम को खत्म करना होगा, जो कि इंडिया के सबसे बड़े और ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं, जिनके अंदर प्यादा, ऊंट, हाथी और वजीर शामिल है। और अब इन सभी बातों को सुन लेने के बाद में सीधा कबीर पहुंचता है नैना के पास में और उसे बताता है कि मैं एक इंडियन एजेंट हूं और मेरे पास में एक मिशन है, मुझे खत्म करना है रिजवान इलियासी को, जो कि काफी बड़ा टेररिस्ट है। मगर उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड है, जो कि सारी कुछ पड़ी है फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के लैपटॉप में। अगर तुम कैसे भी करके मुझे इस यूएसबी की मदद से उसकी सारी डिटेल लाकर दे दो, तो हम रिजवान इलियासी को पकड़कर इंडिया लेकर आ सकते हैं। अब हालांकि नैना उससे प्यार करती थी, तो वो उससे मना नहीं कर सकती थी, और इसी वजह से वो शाम को तैयार होकर एक डिनर पार्टी के लिए सीधा पहुंच जाती है फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के पास में। अभी ये तीनों ही लोग आपस में एक ट्रांसमीटर के जरिए कॉन्टेक्ट में थे, जिनके अंदर शामिल थी नैना, वहीं पर कबीर और उससे कॉन्टेक्ट में थे सुनील। डिनर के बाद में जब कुछ खाली समय मिलता है नैना को, तो वो सीधा उसके ऑफिस में पहुंचकर उसके लैपटॉप से वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करती है। मगर तभी वहां पर फिरोज आ जाता है और उसे उसकी बात का पता चल जाता है और वहां पर एक गोली चलने की आवाज आती है। तो कबीर समझ जाता है कि नैना प्रॉब्लम है और वो फटाफट से वहां पर जाने की कोशिश करता है, वहां की सारी सिक्योरिटी को ब्रेक करता है और सीधा वहां पहुंच जाता है उसके ऑफिस में, जहां पर नैना का ट्रांसमीटर ब्लिंक कर रहा होता है। मगर जब तक वो वहां पर पहुंचता, तब तक काफी देर हो चुकी थी और वहां पर नैना की डेड बॉडी पड़ी थी। और अब यहां से ये कहानी इसकी स्टार्टिंग में शिफ्ट होती है, जहां पर हमें दिखाया गया था कि कबीर ने पॉइंट आउट कर रखा होता है नायडू को। अब यहां पर हमें पता चलता है कि बेसिकली हाथी था नायडू, ऊंट था वो मेजर और वजीर है उत्पल विश्वास, मगर ये प्यादा कौन है इन्हें अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वहीं इसी बीच अब खालिद पहुंच जाता है उत्पल विश्वास के पास में और उसे कहता है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको हमारे साथ सिक्योरिटी टीम के साथ में यहां से निकलना पड़ेगा। और जब ये बात उत्पल विश्वास को पता चलती है कि उसके पीछे एक कोई एजेंट पड़ा से जान से मारने के लिए, तो वो सीधा कॉन्टेक्ट करता है फिरोज कॉन्ट्रैक्टर को और कहता है कि मुझे पुलिस यहां पर लेने के लिए आई है। अगर पुलिस को पता चल गया कि मेरे कॉन्टेक्ट इंडिया के बाहर तुमसे हैं, क्योंकि तुम तो टेररिस्ट हो, तो पुलिस मुझे पकड़कर हमेशा के लिए जेल में बंद कर देगी। कुछ करो वरना मैं तुम सभी के राज खोल दूंगा। मेरे पास में एक ड्राइव है जिसके अंदर तुम्हारे साथ साथ रिजवान इलियासी तक की डिटेल है। तो फिरोज कहता है कि आपको रास्ते में जाते वक्त हमारे लोग वहां से ले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहां एक और तो खालिद उत्पल विश्वास को अपने साथ पुलिस सिक्योरिटी के साथ में लेकर जा रहा होता है, वहीं दूसरी ओर कबीर ऑलरेडी उसके फिराक में उसका इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही उसके सामने उनकी गाड़ियां आती है, तो वो उन्हें ब्लास्ट करके उस पूरी ड्राइव को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। मगर तभी उसके पीछे पड़ जाता है खालिद और अब यहां पर इन दोनों के बीच में एक शानदार बाइक चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है। एंड सीरियसली गाइस, इस चेस सीक्वेंस को देखकर तो मुझे मिशन इम्पॉसिबल के सारे एक्शन सीन्स की याद आ गई। ऐसा काफी बार होता है कि बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हॉलीवुड से इंस्पायर होकर अपनी मूवीज में वो सारे के सारे एक्शन सीक्वेंस डालने की कोशिश करते हैं, मगर कई बार वो फेल हो जाते हैं। मगर इस मूवी के अंदर ये सारे के सारे सीन्स काफी बखूबी तरह से दिखाए गए हैं, जहां पर एक तरफ कबीर को पकड़ने के लिए खालिद बाइक से उसका ही हाथ पकड़कर उसे एक स्टोर में पटक देता है। मगर अब जैसा कि कबीर काफी स्मार्ट और तेज चालाक था, तो वो वहीं से एक ब्रिज से जंप मारकर वहां से भाग जाता है। अब यहां पर सुनील काफी गुस्सा होता है खालिद पर और उसे कहता है कि आखिर तुम किसकी टीम में हो, हमारी टीम में, उसकी टीम में, जितना जल्दी हो सके उसे पकड़ो वरना हम तुम्हें इस टीम से ही निकाल देंगे। और अब यहां पर हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है, जहां पर कबीर उसी छोटी बच्ची के पास में उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए आया होता है। मगर तभी वहां पर खालिद भी पहुंच जाता है और खालिद कहता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड कबीर का भी फ्रेंड हूं। और जैसे ही कबीर गन निकालने की कोशिश करता है, तो खालिद
उसे कहता है कि कभी कभी कहीं पर गन के बजाय मुंह से भी बात हो सकती है। और अब यहीं से ये दोनों बैठकर आपस में एक सीक्रेट बातचीत करने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें सारे के सारे प्लान रिवील होते हैं कबीर के, जहाँ पर कबीर ये बताता है कि रिजवान इलियासी तक पहुँचने के लिए मैंने इन सारे के सारे लोगों को जान से मारा, क्योंकि मुझे फिरोज कॉन्ट्रेक्टर की बातों से पता चला था कि रिजवान इलियासी तक पहुँचने के लिए प्यादा, हाथी, ऊंट और वजीर तक पहुँचना होगा। इस कहानी का वजीर जो था वो था उत्पल विश्वास, जिसकी ड्राइव के अंदर सारे के सारे कोड्स पड़े हैं रिजवान इलियासी के खिलाफ। तो हमें सबसे पहले तो इसे डीकोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इन दोनों की ये बात चली रही थी और तभी वहाँ पर सुनील के भेजे हुए सोल्जर्स उन दोनों पर ही हमला करने लगते हैं और एक काफी कमाल का फायरिंग और साथ ही एक्शन सीक्वेंस हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। उन सोल्जर्स से कैसे तैसे बचकर कबीर और खालिद वहाँ से निकलकर सीधा पहुँच जाते हैं साउथ केरल के अंदर, जहाँ पर मौजूद थी इनकी टीम की एक पुरानी मेंबर जिसका नाम होता है अदिति। और वो दोनों ही अदिति को आकर बताते हैं कि अब हमारे पीछे रिजवान इलियासी के लोग पड़े, इसलिए यहाँ पर छिपने से अच्छी जगह और हमें कहीं पर भी नहीं मिल सकती थी। और इसी के साथ अब कबीर वो हार्ड ड्राइव दे देता है खालिद को और कहता है कि इसे छिपाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अब यहीं से ये लोग छिपने के लिए एक अपार्टमेंट में जाने लगते हैं, जहाँ पर खालिद अब एक ड्रिंक ऑफर करता है कबीर को और कहता है कि आज तो काफी खुशी का मौका है, हमने एक एक करके रिजवान इलियासी के ऊंट, हाथी और वजीर तक को मार दिया, तो एक ड्रिंक तो बनती है ना सर। और तब कबीर भी बिना कुछ सोचे उस ड्रिंक को पी लेता है और जैसे वो उस ड्रिंक को पीता है उसके अंदर मिला था जहर और उसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। और अब यहाँ पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्टिंग रिवील होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सारे के सारे कांड के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद खालिद छिपा था। अब यहाँ पर एक चीज और रिवील होती है कि खालिद तो उस टाइम पर मर चुका था जब सौरभ उसके पीछे पीछे भागा था, और ये वही दिन था जिस दिन कबीर रिजवान इलियासी तक पहुँचने वाला था। और अब जैसा कि कबीर ने रिजवान इलियासी का फेस देख लिया था और साथ ही खालिद ने सौरभ का फेस देख लिया था, इसलिए अब ये दोनों ही लोग सेफ नहीं थे। इसी वजह से इन दोनों ने ही अपनी फेस सर्जरी करवा ली, जहाँ पर रिजवान इलियासी तो रूप ले लेता है फिरोज कॉन्ट्रैक्टर का, वहीं पर सौरभ को शक्ल दी जाती है खालिद रहमानी की। और जिस पैदे की कबीर को काफी टाइम से तलाश थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद सौरभ ही था, यानी कि खालिद रहमानी के रूप के अंदर सौरभ। और वहां से सौरभ उसे पानी में पटक कर सीधा अपनी बेस लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंटार्कटिका में काफी बड़ा शिप भारी भरकम मिसाइल्स के साथ में जा रहा होता है, और जो हार्ड ड्राइव उत्पल विश्वास से अब खालिद को मिली थी वो जाकर सीधा दे देता है फिरोज कॉन्ट्रैक्टर यानी कि रिजवान इलियासी को, और साथ ही ये भी बताता है कि मैंने आपके रास्ते से आपका सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया। इन लोगों की आपस में बातें चली रही थी और तभी वहां पर एंट्री होती है कबीर ढलवाल की, और वो वहां पर पहुंचकर उन सभी को शॉक कर देता है। तो वहां पर खालिद उसे कहता है कि मैंने तो खुद तुम्हें जहर देकर जान से मारा था, तो आखिर तुम बचे कैसे। तो वहां पर कबीर कहता है कि मैं खालिद की एक बात जानता था कि उसके राइट शॉट्स हमेशा मिस हुआ करते थे, मगर जब उन सोल्जर्स ने हमारे ऊपर वार किए तो तुम्हारे राइट शॉट्स एकदम करेक्ट बैठ रहे थे, और ये तो सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ सौरभ ही कर सकता था। और जो ड्रिंक तुमने मुझे पिलाई थी मुझे उस टॉक्सिन के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका था जो कि तुम उसमें मिलाने वाले थे, इसलिए मैंने उसका एंटीडोट ऑलरेडी अदिति से बनवा लिया था। और जो हार्ड ड्राइव मैंने तुम्हें दी उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक ट्रांसमीटर फिट कर रखा था जिससे कि मुझे तुम्हारी लोकेशन ट्रैक होती रही और फाइनली मैं यहाँ पर आ पहुंचा। अब यहाँ पर रिजवान इलियासी ने इंडिया के सैटेलाइट पर एक बहुत ही बड़ी मिसाइल छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, मगर जब वहां पर कबीर पहुंच गया तो उसने उस मिसाइल की लोकेशन को चेंज करके अगेन इसी शिप पर रिवर्ट कर दिया, और अब देखते ही देखते वो मिसाइल वापस से इन्हीं की शिप पर आकर गिरने वाली होती है। इसीलिए वहां से कबीर और खालिद अब दो गाड़ियां लेकर भागने लगते हैं। एंड सीरियसली गाइस, इस सीन को देखकर मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की याद आ गई। यहां पर हमें इन दोनों के ही बीच में एक अच्छा खासा कार चेसिंग सीन दिखाया जाता है। एक तरफ तो खालिद कबीर से बचने के लिए भाग रहा होता है, वही दूसरी तरफ कबीर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। और वहां से काफी लंबी कार चेसिंग सीन के बाद में ये दोनों ही पहुंचते हैं एक अबेंडेंट से चर्च में, जहां पर अब इन दोनों की फाइट शुरू होती है। और साथ ही हमें वो सीन भी देखने को मिलता है जो कि हर वक्त हमें ट्रेलर में दिखाया गया था कि किस तरीके से टाइगर श्रॉफ अपने कपड़े फाड़ कर बॉडी दिखाकर उससे फाइट करना शुरू करता है। और अगेन जब इन दोनों की फाइट होती है तो यहाँ पर कबीर तो उसका गुरु होता है तो वो उस पर वैसे भी भारी पड़ना ही था, और अब वो सौरभ यानी कि खालिद रहमानी को जान से मार देता है। और इसी के साथ कबीर का ये मिशन भी खत्म होता है क्योंकि इस वक्त तक रिजवान इलियासी भी उसके हाथों मारा गया था, और यहाँ पर अगेन आकर वो सुनील से हाथ मिला लेता है। सुनील
राजू से कहता है कि अब इंडिया में तुम बैन हो चुके हो, लोगों को ये लगता है कि तुम मर चुके हो, तो क्यों ना तुम इंडिया से बाहर ही रहो, जिस दिन हमें तुम्हारी जरूरत होगी तो हम तुम्हें वापस से बुला लेंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है शहीद खालिद रहमानी की मॉम पर, जिसे कि अब इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू एक वीर चक्र दिया जाता है और साथ ही उनके परिवार पर जो बुजदिली का दाग लगा था अब वो भी मिट जाता है। वहीं इस मूवी की एंडिंग में हमें हंसते खेलते दिखाए जाते हैं खालिद और साथ ही नैना की बेटी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही अगली बॉलीवुड मूवी आप इस चैनल पर कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा कमेंट एक ही मूवी के लिए आएंगे तो मैं उसी मूवी को अपना नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। एंड वंस अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो।